17 फरवरी 3102 ईसा पूर्व आज से 5100 साल पहले आज का भारत तब था आर्यावर्त। बस 36 साल पहले ही समाप्त हुआ था कुरुक्षेत्र का महायुद्ध और युद्ध के भाग्य निर्माता के रूप में प्रतिष्ठा और बदनामी दोनों ही मिली वासुदेव श्री कृष्ण को। कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बाद पूरे आर्यावर्त में वो प्रसिद्ध हो गए भगवान के रूप में। लेकिन गांधारी का शाप भगवान को भी नहीं छोड़ा और उसी शाप के लिए ईश्वर होते हुए भी अपने सभी संबंधियों मित्रों से दूर अकेले ही इस संसार में अंतिम समय बिताना पड़ा भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को। कैसा था उनके जीवन का वो अंतिम दिन और कहां घटित हुई थी ये घटना, आज हम चलेंगे उसी स्थान पर। कुरुक्षेत्र युद्ध के 36 साल बाद आया वो भयानक दिन जब एक दूसरे से आपस में झगड़ा और लड़ाई के बाद अंत हो गया श्री कृष्ण का यादव वंश। अपने पार्थिव शरीर त्याग कर अनंत शेषनाग के रूप में बैकुंठ लौट गए श्री बलराम और अपने 128 वर्ष की लंबी जीवन के अंतिम दिन में एक जंगल में प्रवेश किए श्री कृष्ण और एक पीपल के पेड़ के नीचे योग समाधि में लीन हो गए। उसी समय जरा नाम के एक ब्याज ने श्री कृष्ण के पैरों के तल पर अवस्थित 19 दिव्य पद चिन्हों में से एक चिन्ह कमल को एक हरिण की आंख समझकर तीर चलाया। उसी तीर के आघात से भगवान श्री कृष्ण इस मर्त्यधाम को छोड़कर अपने पार्थिव शरीर को छोड़कर गोलोक चले गए। पौराणिक कथाओं के अनुसार वर्तमान भारत के गुजरात के पश्चिमी तट पर अवस्थित सौराष्ट्र में यह घटना घटित हुई थी जिसे अभी फलका तीर्थ के नाम से जाना जाता है। गुजरात में सोमनाथ मंदिर से 4 किमी की दूरी पर स्थित इस मंदिर में अभी भी भगवान श्री कृष्ण के निजधाम प्रस्थान लीला के प्रमाण स्वरूप फलका मंदिर है और जिस स्थान पर श्री कृष्ण के नश्वर शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था उसे गोलोकधाम तीर्थ के रूप में जाना जाता है। जिस पीपल पेड़ के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने योग निद्रा ली थी वो आज भी मंदिर परिसर में है। कहा जाता है 5000 साल से अधिक समय तक जीवित रहने वाली इस पीपल पेड़ का कोई भी हिस्सा आज तक नहीं सूखा। द्वादश लिंगों में से एक है ये मंदिर। भगवान श्री कृष्ण के जीवन के अंतिम कुछ समय का प्रमाण है ये मंदिर की मूर्ति। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के पैर के पास जरा शिकारी की मूर्ति भी है जो हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है। कहा जाता है कि ये जरा त्रेता युग के बाली का पुनर्जन्म था जिसे भगवान श्री कृष्ण ने त्रेता युग के राम अवतार में पीछे से मार दिया था। इस स्थान के कुछ दूर अवस्थित हिरण नदी के तट पर श्री कृष्ण के नश्वर शरीर का अंतिम संस्कार हुआ था और अपनी अंतिम संस्कार के बाद इस गोलोकधाम मंदिर से वो उस दिन गोलोक लौट गए थे। इस स्थान पर नदी के तट पर अभी भी भगवान श्री कृष्ण के पैरों के निशान है जो देहोत्सर्ग तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। यह भलका तीर्थ या देहोत्सर्ग तीर्थ अभी भी दुनिया में एक रहस्यमय स्थान है क्योंकि कहा जाता है अगर कोई इंसान इस स्थान पर अपने सच्चे दिल से कोई प्रार्थना करे तो भगवान श्री कृष्ण उसे जरूर पूरा करते हैं। इसलिए आज भी पूरे दुनिया से अगणित भक्तजनों रोज इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के पास अपने श्रद्धांजलि लेकर आते हैं। तो मेरे सखाओ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर एक लाइक कीजिए और ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और भगवान श्री कृष्ण के जीवन के कुछ रहस्यों के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को जरूर देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। जय श्री कृष्ण।